स्वागत है एशियन इंडिया में। मैं सौरभ राय अभी मौजूद हूँ रांची के प्रसिद्ध हॉस्पिटलों में से एक मेडिका हॉस्पिटल में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आए हुए हैं, चलिए उनसे बात करें। तबीयत उनके जांग में गोली लगी है, जांग फ्रैक्चर हो गया है और वो गोली जाके पंजे से ऊपर में गोली फंसी हुई है। कल ऑपरेट करके गोली निकाल दी जाएगी और जब वो स्टेबल हो जाएंगे 7-8-10 दिन बाद तो उनका जो जांग में जो जांग टूटी है उसका ऑपरेशन होगा। मैंने उनसे मिलने का काम किया, उनको कुशल क्षेम पूछा है, उनका साहस उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने एक साहसिक काम किया है जो और भी पुलिस कर्मियों के लिए एक आदर्श मानक होगा। इसके लिए पुरस्कार के रूप में उनको 5,000 रुपये नगद, साथ में उनको साल उड़ाया है, उनके परिजन से मिलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि उनको जो है उनके साहसिक काम के लिए उनका उत्साहवर्धन करें। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और हम किसी भी हाल में इस राज्य को अपराध मुक्त, उग्रवाद मुक्त करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पुलिस के लोगों का मनोबल हम ऊंचा करने आए हैं और पहले से ऊंचा है और अपराधियों को समाज की शांति भंग करने की इजाज़त नहीं होगी। और यदि कोई भी ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसको संविधान सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार पूरे मार्च महीना में सबसे ज़्यादा संक्रमितों की जो संख्या है वो कल मिली है, 97 कोरोना पॉजिटिव पूरे राज्य में मिले हैं। क्या तैयारी और कैसे देखते हैं इस आगे? नहीं, निश्चित तौर पर देश के कई एक राज्यों में विशेष करके महाराष्ट्र वगैरह में काफ़ी जो है कोरोना की एक बार फिर दस्तक दी है, दस्तक सुनाई पड़ रही है। और हमारे राज्य में भी बहुत थोड़ा आंशिक कोरोना, चूँकि हम टेस्टिंग का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो इस क्रम में कुछ मिले हैं मरीज, लेकिन इससे कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं और ना कोई पैनिक होने की आवश्यकता है। राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ इस कोरोना के इस अभिशाप से इस राज्य को मुक्ति दिलाएगी। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है कि कल कुछ लोगों का चालान कटा, कुछ नहीं कई सैकड़ों लोगों का कटा है और एक और कल के मैच की तस्वीर है, कैसे देखते हैं आपकी जो लोग कानून बना रहे हैं वही साफ तौर पर कानून की अवहेलना करो, रांची की जनता नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता ये सवाल पूछ रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मास्क का ये मतलब नहीं है। मास्क का मतलब है कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम एक दूसरे के साथ 2 गज की दूरी बना के रखें। अब कोई मैदान में भी खेल रहा है तो एक आदमी से दूसरे आदमी की दूरी कम से कम भी है तो 200 मीटर होगी, तो एक से दूसरे की दूरी 100-200 मीटर यदि होगी तो उसमें ये संकट नहीं पैदा होते हैं। अब ये अलग बात है कि इसको जो है प्रेस मीडिया एक अलग आयाम से देख रही है, विपक्षी नेता अलग आयाम से देख रहे हैं, लेकिन मूलतः है कि इस कोरोना महामारी का बेसिक रोकथाम के लिए हमको एक दूसरे के साथ थोड़ी दूरी बनानी है। अब खेल के मैदान में तो इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें 11 आदमी खेल रहे हैं, कुल मिला के 11 आदमी और 13 आदमी और 2 एम्पायर 15 आदमी, और वो ग्राउंड कम से कम 2-4 एकड़ का ग्राउंड है, तो कोई चीज़ की घनत्व तो देखा जाता है तो घनत्व तो पर आधारित होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं पर भी, और ये मास्क लगाना कोई बात ये जुर्माने की नहीं है, ये बात है आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, आपके अंदर जागृति होनी चाहिए, खुद में भी
और अपने लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। बेहतर इलाज नहीं, मैंने बोल दिया है और मैं खुद भी जाऊंगा। विष्णु भैया हमारे साथ पहले विधायक के रूप में काम कर चुके हैं और बड़े व्यवहारिक आदमी रहे हैं। मैं खुद भी जाऊंगा विष्णु भैया का कुशल क्षेम पूछने के लिए, और आज भी मैंने उनके पीए से उनका कुशल क्षेम पूछा है। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही वो स्वस्थ होकर, वो भी और हमारे ये दरोगा जी भी स्वस्थ होकर फिर जो है काम पे लगेंगे।